मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में किए फिर तबादले। तो स्वागत है आपका हैप्पी न्यूज लाइव में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश में किए गए तबादलों के विषय में। क्या है पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में हो रहे तबादलों को लेकर जारी सियासत के बीच एक बार फिर से सरकार प्रशासनिक फेरबदल किया है। राज्य शासन ने अब राज्य प्रशासनिक सेवा के 7 अधिकारियों के तबादले किए हैं। सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा तबादला सूची जारी कर दी गई है, जिसमें अपर कलेक्टर संयुक्त कलेक्टर स्तर के अफसर प्रभावित हुए हैं। आइए जान लेते हैं लिस्ट को। सबसे पहले नाम है श्री अनिल कुमार चांदिल, जो कि अपर कलेक्टर थे भिंड के, इन्हें यहाँ से हटाकर अपर कलेक्टर दतिया में इनको पदस्थापना की गई है। श्री नरेंद्र रजावत, जो कि उप सचिव थे सामान्य प्रशासनिक विभाग के, इन्हें यहाँ से हटाकर कलेक्टर बनाया गया है, अपर कलेक्टर बनाया गया है जिला मंदसौर का। श्रीमती नंदा भलावे कुशरे, जो कि अपर कलेक्टर थे जिला खंडवा के, इन्हें यहाँ से हटाकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खंडवा में नई पदस्थापना की गई है। श्री प्रवीण फुलपगारे, जो कि संयुक्त कलेक्टर थे जिला खरगोन के, इन्हें यहाँ से हटाकर अपर कलेक्टर भिंड जिले में नवीन पदस्थापना की गई है। श्री शंकर लाल सिंगाड़े, जो कि संयुक्त कलेक्टर थे जिला खंडवा के, इन्हें यहाँ से हटाकर अपर कलेक्टर बनाया गया है जिला खंडवा का। श्री चंद्रभूषण प्रसाद, जो कि अपर सचिव थे ऊर्जा विभाग के, इन्हें यहाँ से हटाकर संयुक्त कलेक्टर बनाया गया है जिला ग्वालियर का। सुश्री दीपशिखा, जो कि एक विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी थी सामान्य प्रशासनिक विभाग की, इन्हें यहाँ से हटाकर डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है दतिया जिले का।